आगे चलना है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल पीपल विल बी फाइन एंड एंजॉयिंग गुड हेल्थ एट योर होम। सिक्स क्लास, एज यू नो दैट आई एम योर टीचर मिस माहम शब्बीर, एंड टुडे बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर वी विल रीड सम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स आर टारगेट। हमारा टारगेट क्या है इस क्लास को लेने से पहले या इस लेसन को समझने से पहले हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? At the end of the lesson, you will be able to identify an adverb of time and reasons. At the end, आपको पता चल जाएगा कि adverb of time किसे कहा जाता है, ठीक है? We will do this from grammar scale page number 24 to 27. Unit number 6, adverbials of time and reasons. Before starting it, I will tell you about the adverbs. Adverbs क्या होते हैं? Basically, adverbs are the words that describes the verb and adjective that are called adverb. Okay, तो adverbial of time आज हमने पढ़ना है, like time को जो words describe कर रहे हैं और उनकी reasons आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? Come towards the next, adverbs of time. Time mean वक्त. वो adverbs या वो describing verbs जो कि time को describe करते हैं, like ago mean बहुत पहले, still अभी, all day पूरा दिन, soon जल्दी, tomorrow आने वाला कल, yesterday भी कह सकते हैं गुजरा हुआ कल। तो ये सारे के सारे adverb of time हैं। An adverb modifies and tells us more about the verb. एक adverb जो होता है वो verb के बारे में मज़ीद डिटेल हमें बताता है। It tells us when, where and how action takes place. यही बात मैं अभी बता रही थी कि verb को जो मज़ीद explain कर देता है वो होता है adverb। ये हमें बताता है कि कब, कहाँ और कैसे एक काम जो है वो हुआ है। An adverb of time tells. अब adverb of time के बारे में हम पढ़ेंगे। Adverb of time tells when something happened or when someone did something. कि वो काम कब हुआ है और वो काम किसने किस टाइम किया है। इट मे ऑल्सो टेल्स अस द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये हमें उस काम का दौरानिया भी बताता है कि वो काम कितने टाइम में हुआ था, कैसे हुआ, कब हुआ। अंडरस्टैंड? ओके, कम टूवर्ड्स नेक्स्ट, एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, मतलब When mean वो काम कब हुआ है। Jane must eat dinner, ये तो इतना तो sentence बन रहा है कि Jane रात का खाना ज़रूर खाता है, लेकिन early जब साथ में लग गया, वो early जो है वो इस word को describe कर रहा है, ठीक है? Early mean जल्दी, तो इसको कहेंगे adverb of time। Early जो है वो adverb of time है, mean उसने वो खाना कब खा लेता है, जल्दी खा लेता है। इस वर्ब को ये वाला वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है तो उसको कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। व्हेन डज द कैट स्लीप, बिल्ली कब सोती है। माई कैट स्लीप्स ऑल डे, सेंटेंस तो इतना भी ठीक है, माई कैट स्लीप्स, मेरी बिल्ली सोती है, लेकिन कब सोती है, कितना टाइम सोती है, ऑल डे। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, वर्ब को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब को ये वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ रीजंस पे अब आ जाएं। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्लियर हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजंस मतलब वो काम कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, उसकी रीज़न क्या बनी। उसके लिए हम कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इट वॉज रेनिंग हैवीली, देयरफॉर इसीलिए, वी स्टेड इन द हाउस हम घर पर रुके, सिंस, सिंस का मतलब होता है जिस टाइम से वो हो रही है, सिंस इट इज़ हॉट, गर्मी है, आज गर्मी है, आई एम गेटिंग अनकम्फर्टेबल, मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंस जो है वो आ जाएगा उस एडवर्ब्स ऑफ रीज़न, ठीक है? कि गर्मी किस वजह से अनकम्फर्टेबल फील कर रही हूँ, गर्मी की वजह से, तो उसके लिए हमने सिंस का वर्ड यूज़ किया। बारिश हो रही थी तो मैं घर पे रही, घर पे क्यों रही, कैसे रही, इसलिए रही क्योंकि बारिश हो रही थी, ठीक है? देयरफॉर जो है वो होगा एडवर्ब ऑफ रीज़न, ठीक है? जो जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं ये सारे एडवर्ब ऑफ रीजंस हैं। देयरफॉर, हैंस, बिकॉज, सो, दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ रीजंस। अंडरस्टैंड? देयरफॉर, सिंस, दीज आर ऑल एडवर्ब ऑफ रीजंस।
ओके नाउ ओपन फ्रॉम ग्रामर स्किल यूनिट नंबर 6 एडवर्बियल्स ऑफ टाइम्स एंड रीजंस पार्ट ए में आ जाए रीड दिस लेटर एंड अंडरलाइन 10 एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम सर्कल द प्रेपोजिशंस ओके हमने इसमें क्या करना है प्रेपोजिशन को सर्कल कर लेना और अंडरलाइन कर लेना है 10 एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम को ठीक है यहाँ सर्कल को मैंने डार्क किया हुआ है और जो अंडरलाइन किया हुआ है थोड़े लाइट हैं ठीक है फ्रेजेस ऑफ टाइम को अंडरलाइन करना है और प्रेपोजिशंस को सर्कल करना है सैम एंड आई आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन डिस्नीलैंड एट द मोमेंट एट जो है वो प्रेपोजिशन है द मोमेंट मीन लम्हा इस लम्हे एट द मोमेंट उस लम्हे वो होगा एडवर्बियल ऑफ टाइम थैंक यू सो मच फॉर द टिकट्स यू गेव अस ऑन आवर बर्थडे ऑन जो है ये प्रेपोजिशन है इट वॉज रेनिंग ऑन द फर्स्ट डे टाइम क्या है फर्स्ट डे पहला दिन हमें टाइम का याद करवा रहा है ना कि किस दिन पहला दिन ये सारे टाइम ड्यूरेशंस ही हैं ना जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं नाइट डे मॉर्निंग इवनिंग नून दीज आर ऑल एडवर्बियल्स ऑफ टाइम ठीक है ये जो लम्हात हैं ये दिन के जो लम्हात हैं इन्हें एडवर्बियल्स ऑफ टाइम के तौर पे भी यूज़ किया जाता है तो ऑन जो हो गया वो होगा प्रेपोजिशन अबाउट तो यहाँ पे सिक्स क्लास जो भी मैंने सर्कल किए हुए हैं ये सारी के सारी प्रेपोजिशंस हैं और इनके साथ ये वाले वर्ड्स ठीक है ये सारे के सारे जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ये सारे के सारे जो हैं एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम है ठीक है जो अंडरलाइन किए हुए हैं वो एडवर्बियल फ्रेजेस ऑफ टाइम है और जो सर्कल किए हुए हैं वो हैं प्रेपोजिशंस ओके कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट दिस इज़ द नेक्स्ट फेज अ प्रोवर्ब इज़ एन ओल्ड वाइज सेइंग कंप्लीट दिस प्रोवर्ब्स यूजिंग एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रॉम द यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रोवर्ब्स दिए हुए हैं मतलब मुहावरे दिए हुए हैं उनको हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम यूज़ करते हुए फिल करना है ठीक है सम ऑफ द एडवर्ब्स विल नीड टू बी यूज्ड मुहावरात क्या होते हैं ओके जैसा कि प्रोवर्ब्स होते हैं हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर ठीक है इसी तरह इंग्लिश में भी कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं उर्दू में उन्हें ज़रबुल मिसल कहा जाता है ठीक है यहाँ पे है डैश टू बेड एंड डैश टू राइज अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ये तो हमने सुना हुआ है कि जल्दी सोओगे तो सुबह जल्दी उठोगे डू नॉट पुट ऑफ अनटिल टुमोरो कोई भी काम कल पर मत छोड़ो व्हाट यू कैन डू टुडे जो तुम आज कर सकते हो उसे कल पर मत छोड़ो टुडे आज टुमोरो आने वाला कल ठीक है ये सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है अर्ली मीन जल्दी टुमारो आने वाला कल टुडे आज बिफोर पहले सून जल्दी वंस एक दफ़ा ट्वाइस दो दफ़ा बिफोर पहले लेट नेवर कभी नहीं वाइल इस दौरान ये सारे के सारे जो हैं ये एडवर्ब ऑफ टाइम है अंडरस्टैंड ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है टाइम को शो कर रहे हैं ओके नीचे आ जाएं अगर पार्ट सी में लुक एट द एडवर्ब्स ग्रामर हेल्प में फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएं एडवर्ब्स आल्सो आंसर क्वेश्चन अबाउट हाउ ऑफन फ्रिक्वेंसी एंड हाउ लॉन्ग कि कोई काम कितना टाइम के लिए हुआ उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है ठीक है कब हुआ कितना टाइम लगा उसको कितने टाइम के लिए वो काम हुआ ठीक है टाइम इंस्टेंटली लास्ट वीक इन द इवनिंग मतलब ये शो कर रहा है कब हुआ इन द इवनिंग इन द मॉर्निंग कुछ भी आ सकता था एट नाइट ये भी आ सकता था फ्रिक्वेंसी मतलब हाउ ऑफन कब हुआ नाउ एंड अगेन अब हुआ और दोबारा हुआ हो सकता है हार्डली एवर एवरी इवनिंग हर शाम एवरी डे मतलब हम कहते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे फ्रॉम टाइम टू टाइम वक्फे से ठीक है ड्यूरेशन उस काम का दुरानिया क्या था वो कितना लंबा सिंस दैट मंडे पूरा होल वीक नाउ मतलब मंडे से लाइक कल मंडे था तो हम मैं कहूँगी कि मंडे से ये काम हो रहा है फॉर अ वी होल वीक पूरा हफ्ता ये शो करते हैं ड्यूरेशन को ठीक है नेक्स्ट आ जाएं सिक्स क्लास ये क्रिएटिव राइटिंग है ये आप लोगों को मैंने सेंड कर दी है इसको आप लोग खुद पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट आपको मैं देने लगी हूँ आपका होमवर्क टास्क ओके दिस इज़ योर होमवर्क टास्क नेक्स्ट जो है इसमें से ये एक तरह की एक
आर्टिकल है, न्यूज़पेपर आर्टिकल है, इसमें से आपने एडवर्ब ऑफ़ प्लेस, एडवर्ब ऑफ़ टाइम, मैनर, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ढूंढ के आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं, वही से दो, ठीक है। ये वाला मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, एडवर्ब ऑफ मैनर, ड्रामेटिकली मतलब कोई किस तरह का बिहेव करता है, ड्रामेटिकली बिहेव करता है, डिफेंसिवली, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आ जाते हैं लास्ट, हमारा जो था टास्क, हमने उसको अचीव किया है कि नहीं। व्हाट डिड आई लर्न टुडे, आज मैंने क्या सीखा, मैंने क्या किया, मैंने सीखा एन एडवर्ब मॉडिफाइज एंड टेल्स अस मोर अबाउट द वर्ब, ठीक है। एडवर्ब वो होता है जो कि हमें वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है कि वो काम कब, कहाँ और कैसे हुआ, ये हमें पता चल गया, यस। एन एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है, इट टेल्स अस व्हेन समबडी डिड समथिंग और व्हेन समथिंग हैपेंड, कि कोई काम कब कब हुआ और किसी ने कोई काम कब कैसे किया। एन एडवर्ब ऑफ टाइम में ऑल्सो टेल द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन, ड्यूरेशन बताता है कितना अरसा लगा उस काम को होने में। लाइक मैं कहती हूँ कि मैं उठती हूँ, आई गेट अप, और अगर मैं कहूँगी मैं जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली। आगे मैं ड्यूरेशन भी बता दूंगी, इन द मॉर्निंग, टाइम बता दूंगी ना, एडवर्ब ऑफ टाइम बता दूंगी, इन द मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन कि वो कब हुआ वो काम, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एंड एनी क्यूरी, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड इन माई पर्सनल इनबॉक्स। अल्लाह हाफिज़। I love the